देखिए क्वेश्चन है क्या है, द 10th एंड 50th परसेंटाइल ऑफ द ऑब्जर्वेशन 32, 49, 23, 29, 118। ये जो परसेंटाइल होता है 10 परसेंटाइल, देखिए स्टेटिस्टिक्स का एक पार्ट है जिसमें पार्टीशन वैल्यू को हम ये वाले पोर्शन में लेते हैं। जैसे पार्टीशन वैल्यू मतलब मीडियन, मीडियन पूरे डेटा को टू पार्ट में डिवाइड करता है अगर मीडियन की बात करें। यानी मीडियन का मतलब होता है 50% डेटा लेफ्ट, 50% डेटा राइट। ऐसे एक क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल पूरे डेटा को फोर पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब वन पार्ट वन पार्ट वन पार्ट। यानी ये वाला पार्ट जो है वो 25% का है, ये 25% का है, ये 25% का, और ये 25% का, ये 50-50% का। समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। अगर मैं बोलूं डिसाइल, तो डिसाइल पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और वो D1, D2, D3, D9 होते हैं, और हर एक पार्ट को 10% दिया जाता है। जैसे 10% ये हो गया 20%, यहां ये 10 है पर यहां तक आने पे 20%। जैसे ये 25% है, ये 25 है पर यहां पे आओगे तो ये पूरा 50 हो गया, ये 50 हो गया। यानी Q2 जो है क्वार्टाइल 2 वो मीडियन के इक्वल होता है। ऐसे ही सेम डिसाइल के लिए भी होता है। जैसे D5 यहां तक आओगे तो 50%, यहां तक जाओगे तो भी 50%, यानी ये मीडियन के इक्वल हो गया। इसी तरह से सिमिलरली परसेंटाइल भी होता है। तो परसेंटाइल में क्या होता है, पूरा डेटा 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे P1 P2 से लेके P99 बोला जाएगा, और हर एक में 1% पार्ट लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं P50 तो ये 50% है, यानी यहां तक 50%, यहां तक, यानी अगेन ये मीडियन के इक्वल हुआ। तो जैसे यहां पर 50 परसेंटाइल बोला है यानी मीडियन हो गई है, और 10 बोला है यानी या तो D1 बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं P10, यानी ये 10th पार्ट यानी 10% बताना है। क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। जो मैंने कंसेप्ट बताया वो तो आपने समझा, पर इसको समझिए, और यही तरीके से कंसेप्ट बना के प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, जहां से भी पढ़ते हैं, पर अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप हमेशा अच्छा स्कोर करेंगे। अब मैं अगर इस डेटा को पहले अरेंज करूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो 23, फिर 29, फिर हुआ 32, फिर हुआ 49, फिर हुआ 118। अब देखिए पूरा डेटा जो है वो 5 सीरीज है, एक तरह से 5 टर्म है। तो अगर हम लॉजिकली चलें तो मिडिल मोस्ट टर्म मीडियन हो गया, इसी को हम मीडियन बोलेंगे, इसी को हम क्वार्टाइल 2 भी बोलेंगे, इसी को हम डिसाइल 5 भी बोलेंगे, और इसी को हम परसेंटाइल 50 भी बोलेंगे, वो हुआ 32। ठीक है, ये पार्टीशन वैल्यू को हमेशा अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से करते हैं। अब आप देखिए 32 कितने में है, इन दो में, इनमें नहीं है, बात खत्म। अब इसी का एक डेटा और देखिए 23, इसमें नहीं है, इस मतलब इसी का होना चाहिए था पार्ट जो मिलता हुआ हो 32 के साथ, ये दोनों इसी के पार्ट हैं, ये नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आपसे पूछा है D10, वो P10, P10 मतलब एक तरह से D1। तो अगर हम ये देखें तो ये 50% पार्ट है, ये 25% है, तो ये उसके पीछे का हुआ। यानी अगर आपसे 10 पूछा तो इधर का ही होगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं P10 इक्वल टू 23। तो लॉजिकल तरीके से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ 23, 32।